मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक साथ काफ़ी सारी इंडियन गेम्स PS2 पर लॉन्च हुई थी। हनुमान बॉय वॉरियर, गुली क्रिकेट, देसी अड्डा, रावण, डोन टू, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये सारी गेम्स काफ़ी ज़्यादा अनपॉलिश थी। ये गेम्स आई बिलीव PS2 जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च ही सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उस एरा में आपको मोबाइल फ़ोन इतने पावरफुल नहीं देखने को मिलते हैं जैसे कि आज हैं। अगर उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स पावरफुल होते आज की तरह तो मे बी एंड आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट दिस, वो गेम्स पक्का फ़ोन पर ही लॉन्च होती। इन सिंपल वर्ड्स, वो सारी गेम्स लो एफर्ट, विदाउट पैशन और मतलब ऐसा प्रोजेक्ट्स थी जिनको सिर्फ कैश बनाने के लिए बनाया गया था। उसमें कोई पैशन नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो पैसा कमाने के लिए एक तरह की ट्रिक थी इंडियन डेवलपर्स की तरफ से। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 और फाइनली हमें एक प्रॉपर क्लोज प्लेटफॉर्म गेम देखने को मिल रही है विच इज़ मेड इन इंडिया, बेस्ड ऑन इंडियन करेक्टर्स। ये गेम एक बहुत बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है। यू नो वाई आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गेम? इस गेम का इंडियन डेवलपर के द्वारा बनाया जाना और इंडियन करेक्टर पर बेस्ड होना डेफिनेटली प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेकिंग मी एक्साइटेड अबाउट दिस गेम। बट अगर आप इन चीज़ों को हटा भी दो ना कि ये इंडियन ने बनाया है, इंडियन करेक्टर्स के ऊपर बनाया गया है, तब भी मैं इस गेम को प्रमोट करता क्योंकि अविचल इज़ नॉट मेकिंग दिस गेम फॉर मनी बट फॉर पैशन। एंड जब भी कोई आर्ट पैशन से बनता है ना, इट डज़ वंडर्स फॉर द सोसाइटी एज अ होल। दिस इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम अविचल फ्रॉम 2013 एंड आई कोट, 2013 की न्यू ईयर को मैं जैसलमेर राजस्थान में था और वहाँ मैं किलों में घूम रहा था। मैं वहाँ के आर्किटेक्चर से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं सोचने लगा कि इस पर गेम ही क्यों ना बनाई जाए, अच्छा आइडिया होगा। इस स्टेटमेंट से ये साफ है कि दिस आइडिया ऑफ डेवलपिंग दिस गेम केम फ्रॉम अ पैशन, केम फ्रॉम द लव ऑफ द इंडियन कल्चर। जिन्होंने इस गेम को डेवलप किया है वो सिर्फ 7 लोगों का स्टूडियो है। देवर नॉट मेकिंग अ सिंगल बक आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अभी भी वो एक रुपया भी नहीं कमा रहे हैं क्योंकि वो गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुई। इन्होंने इस गेम को डेवलप करने का सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि दे वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू गेमिंग। ये गेम ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से इन द मेकिंग है। 7 साल से लगातार इस पर काम चल रहा है बिना रुके। इनका किक स्टार्टर कैंपेन भी फेल हो गया था, येट दे स्टिल केप्ट वर्किंग ऑन दिस गेम डे इन एंड डे आउट। ये गेम इनकी फर्स्ट गेम है, येट वैन कम्पेयर्ड टू द स्टूडियोज़ लाइक CD प्रोजेक्ट रेड जो कि फ़िलहाल में ही बने हैं 2006 से 5 के आसपास। अगर आप उनकी फर्स्ट गेम को और इनकी अपकमिंग फर्स्ट गेम को कंपेयर करो ना, आपको ज़मीन। उनकी गेम कितनी अनपॉलिश थी, एनिमेशंस में प्रॉब्लम थी, बट ये गेम इन्होंने फर्स्ट गेम है बट स्टिल दे हैव शोन पोटेंशियल टू बिकम अ बिग जायंट इन टर्म्स ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। इस गेम को उन्होंने ब्यूटीफुली एनिमेट किया है। एक एक छोटा सा घास का तिनका फ्लूइड मूवमेंट करता है। जो बैकग्राउंड सॉन्ग है यार, मैं क्या बोलूँ, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको पूरी तरह से इस वर्ल्ड में इमर्स कर देगा। मैंने आज दिन तक इंडिया पर जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जितनी भी वीडियो गेम्स देखी या किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म देखी है ना जो वेस्ट में रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें जब भी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, वो इंडियन कम और पर्शियन ज़्यादा लगता है। ये बात आपने भी नोटिस की होगी। बट इस गेम का जो सॉन्ग है ना, वो आपको बहुत अच्छी वाइब देगा राजस्थानी फोक सॉन्ग्स की। दिस म्यूजिक परफेक्टली कैचेज द एटमोसफेयर ऑफ द इंडियन टाइम पीरियड। ये डिवेलपर्स अपनी कमियों को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। इन्हें साफ पता था कि इनके पास इतना बजट नहीं होगा कि ये फुली रेंडर्ड कट सीन को डेवलप कर पाएँ, एनिमेट कर पाएँ। तो गेस वट, इन्होंने ब्यूटिफुली एनिमेटेड कॉमिक स्ट्राइप्ड पपिटियर टाइप में एक कट सीन्स बनाए जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। एंड मैं सच बताऊं तो वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस गेम्स में से। और साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि ये इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ बताई है कि आप कम बजट में भी किस तरह एक अच्छी तरह से स्टोरी को शो कर सकते हो एनिमेशन के साथ। इन्होंने अपनी वीकनेस तक को स्ट्रेंथ में बदल दिया है सिर्फ इस गेम के लिए। वॉइस एक्टिंग इस गेम में मुझे एवरेज ही लगी, बिकॉज सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये लगी इसकी वॉइस एक्टिंग से कि गेम इंडिया पर बेस्ड है, इंडियन डेवलपर्स ने बनाई है एंड दे मस्ट बी ट्राइंग हार्ड टू
कैप्चर द इंडियन ऑडियंस एज वेल एज द वेस्टर्न ऑडियंस, बट इनको इंडिया में अगर ये गेम कैप्चर करनी थी तो इन्हें हिंदी में भी डबिंग करवानी चाहिए थी, एंड जो इनकी वेस्टर्न वाली डबिंग है उसमें इमोशन नहीं है, वेट नहीं है, काफ़ी रोबोटिक सी एक्सप्रेशंस लगते हैं। विच आई एम नॉट श्योर कि वो अब फिक्स भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब रिलीज डेट आने वाली है। गेम प्ले इस गेम का बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और बहुत ही अच्छे से इस गेम के कैमरा एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप इसमें पार्कोर कर सकते हो और जंप्स मार सकते हो, पोल्स पर चढ़ सकते हो, वॉल रनिंग कर सकते हो। इस गेम के गेम प्ले की बेस्ट चीज़ ये है कि इस गेम के फ्लूइड एनिमेशंस, एंड यार आई कैंट स्ट्रेस दिस इनफ, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। बिल्कुल भी कट्स नहीं मिलेंगे आपको मिशन के बीच में, हर एनिमेशन सीमलेसली परफॉर्म करता है और सीमलेसली ट्रांजिशन होता है एक मूवमेंट से दूसरे में। कॉम्बैट मैकेनिक्स भी अच्छे हैं इस गेम के, और हमारे पास एक वेपन है जो कि दुर्गा माता जी का त्रिशूल है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कॉम्बैट में, वन इज़ लाइट अटैक, द अदर इज़ हैवी अटैक, एंड द लास्ट वन इज़ रेंज अटैक। मुझे ये नहीं पता है कि अब गेम में आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे क्या हमारे पास और ज़्यादा वेपन्स या मे बी अटैक्स अनलॉक होंगे, बट जो मैंने डेमो खेला है उसमें मुझे यही 3 कॉम्बैट्स के ऑप्शंस देखने को मिले। जो रेंज कॉम्बैट है वो इस तरह वर्क करता है कि जो आपने त्रिशूल पकड़ा है उससे प्रोजेक्शंस निकलती हैं, एक तरह का मतलब रख लो आप प्रोजेक्टेड त्रिशूल निकलता है, एक डमी निकलती त्रिशूल की जो कि आप मार सकते हो दूर से, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा गॉड ऑफ वॉर के एक्स थ्रोइंग वाले मैकेनिक की वाइब देगी। देन यू कैन ऑल्सो चेन ऑल दीज अटैक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू मूव्स, मतलब आप लाइट अटैक और हैवी अटैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक नया मूव भी बना सकते हैं। कॉम्बैट इस गेम का काफ़ी वेटी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट फील होता है मुझे, और मतलब ये ऐसा वाला कॉम्बैट नहीं है कि आप बटन मैशिंग करो और आपको लगे कि यार ये तो कनेक्ट नहीं हो रहे मूव्स या ऐसा वैसा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बैट है एक नई गेम के लिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके कॉम्बैट से मुझे ये लगी है वो ये है कि जब भी आप कोई फिनिशिंग मूव मारते हो ना किसी डीमन के ख़िलाफ़, तो जो उसमें मूव करता है प्ले हमारा करेक्टर, जो करती है प्ले फाइनल मूव फिनिशिंग मूव, उसका जो एनिमेशन है वो बार बार सेम ही रहता है, हर बार वो सेम ही एनिमेशन में मारती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एनिमेशन का जो मूव है वो कनेक्ट नहीं होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मे बी दे कैन फिक्स दैट, और अगर आप में कोई डेवलपर देख रहा है यार आप में से तो उसको ट्राई करो फिक्स करने की, आई फाउंड दैट वेरी अनोइंग। इस गेम में आपको कभी कभी ग्लिचेस भी देखने को मिलेंगे विच आई होप विल बी फिक्स्ड बाय द टाइम गेम रिलीज। जो सबसे बड़ा ग्लिच मैंने फेस किया वो ये था कि जो मेरा करेक्टर था वो पता नहीं पोल पे चढ़ने वाली पोजीशन में चला गया था, जबकि मैं तो किसी पोल पर चढ़ भी नहीं रहा था। अगर इस गेम के हम प्लॉट की बात करें तो इस गेम में रांची है एक लड़की जो कि सर्कस में एक्रोबैट है, एंड उसके 2 भाई हैं। एक दिन सर्कस में उसका एक भाई स्टोरी सुना रहा था अबाउट द डीमंस या असुर कह लो, कि किस तरह एक असुर ने दिन रात तपस्या कर कर ब्रह्मा जी से इमोर्टैलिटी गेन कर ली थी, और फिर उसने मतलब हर जगह गुंडागर्दी मचा दी थी, और फिर शिव जी को गुस्सा जब आया तो उन्होंने किस तरह अपना पैर मारा था ज़मीन पर जिससे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए थे, और उन 2 पार्ट्स में से एक में असुर रह गए और एक में ह्यूमंस, और उस वजह से ह्यूमन और असुर काफ़ी टाइम से आज दिन तक मिल नहीं पाए। बट जैसे ही ये स्टोरी वो कंप्लीट करता है तभी अचानक से वहाँ पर एक तरह का सैंड स्टॉर्म आ जाती है, और तभी उसमें से असुर निकलते हैं और वो राजी के दोनों भाइयों को उठाकर ले जाते हैं। अब राजी को अपने भाइयों को रेस्क्यू करना है, और इस जर्नी में आपको वेरियस गॉड्स और गोडेसेस भी मिलेंगी जो कि हेल्प करेंगी आपकी। आपकी जर्नी को लॉर्ड विष्णु और माता दुर्गा नरेट भी करेंगी। और जो आपको त्रिशूल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी माता दुर्गा से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस गेम में आपको बार बार जो लॉर्ड विष्णु है और माता दुर्गा हैं वो आपको कन्वर्सेशन करते दिखाई देंगे, और वो इस बारे में बात करेंगे कि क्या राजी कैपेबल है इन असुरस को मारने के लिए, और ये वगैरह मतलब एक तरह से वो आपको मतलब इस सिचुएशन की गंभीरता के बारे में बताएंगे कि गॉड्स भी किस तरह इस डीमन से डर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इस गेम में वेरियस गॉड्स का ओरिजिन भी बताया जाएगा, जो कि ऑल्दो हम लोगों को पता हो सकता है
बट जो वेस्टर्न्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि किस कैसे कैसे गॉड्स हमारी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सच कहूँ तो इस गेम में हो सकता है हज़ारों और चीज़ें हों, बट जो मैंने खेला 30 मिनट्स का डेमो उसने मुझे यही चीज़ें पता लगी हैं। मेरे फाइनल थॉट्स यार इस गेम को लेकर ये हैं कि अगर आप चाहते हो ना कि इंडिया में भी कल्चर आए गेमिंग का, इंडिया में भी कोई कंपनी आए, कोई स्टूडियो आए जो कि ट्रिपल ए टाइटल्स बनाए, और आप यूबीसॉफ्ट को रिक्वेस्ट करते हो आप डेवलप कर दो ये वो, क्यों ना आप अपनी ही कंपनी को एक बार दे के देखो सपोर्ट, एक बार उनकी गेम को बाय करके देखो, मे बी उनकी गेम को आप पायरेट मत करना। अगर आप ये चीज़ें करो तो मे बी आप इस इंडियन कल्चर में गेमिंग का कल्चर मिक्स कर सकते हो, एंड दैट विल फॉर एवर बी अ ड्रीम ऑफ माइंड कि इंडिया में भी हमें सीडी प्रोजेक्ट रेड जैसा एक स्टूडियो मिले जो कि अमेजिंग गेम्स को पब्लिश करे, डेवलप करें। जस्ट इमेजिन कि ये गेम सक्सेसफुल हो जाती है एंड दीज डेवलपर्स मेक अ सीक्वल टू दिस गेम इन प्रॉपर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एंड अ प्रॉपर ओपन वर्ल्ड गेम बेस्ड इन राजस्थान और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर दैट मैटर। जस्ट इमेजिन करके देखो वो गेम कितनी ज़्यादा अच्छी होगी और कितना मज़ा आएगा फर्स्ट टाइम अपने ही कल्चर को डिस्कवर करना गेम के थ्रू। अगर आप लोगों के पास, बहुत सारी ऑडियंस मेरी ऐसी होगी जिनके पास मोबाइल फ़ोन ही होगा और वो उसी में गेम्स खेलते हैं, स्टीम नहीं है उनके पास, पीसी नहीं है, एक्सबॉक्स नहीं, PS4 नहीं, निंटेंडो स्विच नहीं है, आप फिर भी कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हो इस गेम के साथ। आप शेयर कर सकते हो अपने जिनके पास, आपके फ्रेंड्स के पास गेम्स हैं उनको बता सकते हो कि आप यार ये वाली गेम ट्राई करके देखो, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस गेम हैज़ बीन मेड बाय वन ऑफ अस, ठीक है, हमें इसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया और आप इन फ्यूचर ताना मारते हो ना कि इंडिया में गेमिंग क्यों नहीं है ये वो, तो याद रखना कि एक हमारे इंडियन डेवलपर ने कोशिश की थी 7 साल तक, बट हमने ही उसे सपोर्ट नहीं दिया, और यार ये हमारा कर्तव्य है, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यार जाओ जाके आप इस गेम का डेमो चेक करो, जब तक ये गेम रिलीज़ नहीं होती। मैं डिस्क्रिप्शन में स्टीम का लिंक डाल देता हूँ, आप चेक कर लेना। मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि PS4 और एक्सबॉक्स और निंटेंडो स्विच में आपको इस गेम का डेमो देखने को मिलेगा या नहीं। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टू स्वीट।